खोखर बरादरान के खिलाफ फरासी केस, एंटी करप्शन ने दो शरीक मुलजिमों को अदालत में पेश कर दिया। दोनों मुलजिम दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर, एंटी करप्शन के हवाले। महकमा एंटी करप्शन ने खोखर बरादरान को कल फिर तलब कर लिया। तलबी के बावजूद आज सिर्फ सैफ खोखर ही एंटी करप्शन में पेश हुए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील को दिल की तकलीफ, निजी अस्पताल में जेरे इलाज। डॉक्टर्स की जानिब से एंजियोग्राफी की गई। सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया, अब हालत बेहतर है। डॉक्टर्स। शहर की ताजिर सियासत में बड़ी हलचल, चार साल बाद ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप पाल। ताजरों को मुनासिम करने का टास्क सदर अंजुमन ताजरान मलिक अमानत को सौंप दिया। नईम मीर कहते हैं नून लीग और पीटीआई ट्रेड विंग के नाराज अहदेदारों को भी मनाएंगे, शहर की तमाम मार्केट्स और बाजारों में तंसीम साजी को बढ़ाएंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस की बंदिश ने शहरियों में अजाब मुबतला कर दिया। एलपीजी माफिया ने मसनूई बहरान पैदा कर दिया, कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहर में एलपीजी 190 से 200 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। और शहरियों के लिए अच्छी खबर, सीएनजी 10 जनवरी से पहले मिलने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी अफसरान ने सर जोड़ लिए, अगले चंद रोज में सीएनजी स्टेशन खोलने का ऐलान मुतवक्किल।